फ्री फायर का सबसे बड़ा दुख जब तुम्हें कोई नूब बोल दे, भाई साहब रो रहे आ जाता है। किंतु ठहरो, फायर बटन की ये सीक्रेट ट्रिक जिन्हें अप्लाई करने से तुम्हारी योग्यता को भी लोग समझेंगे और ऊपर से तुम्हारा गेम प्ले भी प्रो लेवल का हो जाएगा। और अगर तुम फायर बटन की ये वाली ट्रिक यूज नहीं करते तो माफ करना भैया, तुम प्रो की कैटेगरी में नहीं आ पाओगे। तो ऐसा है ना, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये बताओ कमेंट में कि तुम कौन से फोन में फ्री फायर का कार्यक्रम करते हो भाई। तो अब फायर बटन की सबसे पहली ट्रिक जिसका नाम है अदला बदली अर्थात एक्सचेंज। तो देखो, तुम्हारे साथ कभी कभी ऐसा होता होगा, तुम्हारे साथ क्या मेरे साथ भी ऐसा होता है, सामने एनिमी होता है और जैसे ही फायर बटन को ड्रैग करते हैं बंदे को मारने के लिए, तो गन से गोली तो निकलती नहीं, आसमान की सैर होने लगती है। और जब तक आसमान की सैर करके नीचे आते हैं तब तक पेटी बन जाती है। तो अब इसी समस्या को दूर करने के लिए अब हम फायर बटन की ट्रिक लगाएंगे। तो इसके लिए तुम्हें सेटिंग में जाकर लेफ्ट फायर बटन को ऑलवेज करके सीधा कस्टम स्टूडियो पे चले आना है। और उसके बाद क्या करना है वो तुम हैंड गेम पे देखो यार। तो देखो, लेफ्ट फायर बटन के पास एक खुफिया शक्ति है, अगर तुम लेफ्ट फायर बटन के आसपास भी टच करोगे फिर भी गन चलने लगेगी जैसा कि तुम देख रहे हो। लेकिन राइट फायर बटन के पास भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें फायर बटन के ऊपर प्रॉपर टच करना पड़ेगा तभी तुम्हारी गन चलेगी। तो इसीलिए अब तुम्हें लेफ्ट फायर बटन को राइट में उठा के रख देना और राइट वाले फायर बटन को लेफ्ट में उठा के रख देना है। और फायर बटन की अदला बदली करने से होगा ये कि बाई चांस कभी तुम्हारी फिंगर फायर बटन के ऊपर प्रॉपर टच नहीं भी करती है तब भी तुम्हारी गन चलने लगेगी, और ऐसा करने से तुम्हारा मिस फायर तो भैया होने ही नहीं वाला है। तो अगर तुम्हारा भी करेक्टर कभी कभी आसमान की सैर करने लगता है तो प्लीज यार अपने फायर बटन की अदला बदली कर देना। अब फायर बटन की दूसरी ट्रिक जिससे तुम्हारी 1v2, 1v3, 1v4, इवन 1v6 को भी हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो देखो, आज भी बहुत से प्लेयर ग्लू को राइट फायर बटन से लगाते हैं। वो सोचते हैं कि यार सब प्रो प्लेयर इतना फास्ट सेटअप ग्लू बॉल, इतना फास्ट राउंड ग्लू बॉल कैसे लगा लेते हैं, अरे मेरी तो लगती नहीं। अब तो मैं कैसे बताऊं भाई, वो ग्लू बॉल को लेफ्ट फायर बटन से लगाते हैं। वो कैसे, वो तुम हैंड गेम पे देख लो। सिंपली से तुम्हें अपने फायर बटन को ड्रैग करना है और फायर बटन से हाथ हटाए बिना अपने कैमरा एंगल को नीचे लाना है। और जैसे ही तुम्हारा कैमरा एंगल नीचे आ जाए उसी टाइम पे तुम्हें सेट वाला बटन और ग्लू बॉल वाला बटन एक टाइम पे दबा देना, और जब ये तुम्हारा दोनों काम हो जाए देन तुम्हें लेफ्ट फायर बटन को प्रेस कर देना है। और इसे तुम थ्री फिंगर या टू फिंगर जिससे मर्जी चाहे उससे यूज कर सकते हो। और इसे यूज करना कैसे है वो तो तुम हैंड कैम पे देख ही रहे हो। लेकिन एक मिनट, मुझे कमेंट में ये बताओ कि तुम कितने फिंगर से खेलते हो। अब लास्ट फायर बटन की ट्रिक जिससे तुम क्लोज रेंज में भी वन शॉट प्लस ड्रैग हेडशॉट मार सकते हो। तो देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि ससुरा एनिमी हमारे बिल्कुल मुंह पे चला आता है और हमारा एम बॉडी पे चिपक जाता है, लेकिन अगर तुम्हें जंप शूट आता है तो तुम क्लोज रेंज में भी कुछ इस टाइप से हेडशॉट मार सकते हो। सिंपली से इसे करने के लिए तुम्हें अगेन लेफ्ट फायर बटन का यूज करना है। तो जब भी तुम्हारे बिल्कुल क्लोज रेंज में एनिमी आए तो तुम्हें फायर बटन को ड्रैग करना है, और अगर तुम्हारा एम बॉडी पे चिपक जाता है तो तुम्हें लेफ्ट फायर बटन को प्रेस करके जंप कर देना है, जिससे तुम्हारा फायर भी होता रहेगा और तुम जंप भी कर लोगे। और ऐसा करने से तुम्हारा क्लोज रेंज में भी हेडशॉट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर तुम्हारा भी एम हमेशा बॉडी पे चिपक जाता है, तुम्हारे हेड नहीं लगते, तुम्हें एम लॉक करने में परेशानी आती है, तो तुम लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो और मैं भी तुमको वहीं मिलता हूं।